दोस्तों, आज की महात्मा बुद्ध की यह कहानी से आपको सीखने को मिलेगा कि यह जीवन में असंभव कुछ भी नहीं है और जब जागो तभी सवेरा होता है। अगर आपको यह लगता है कि मैंने बहुत सारे बुरे काम किए हैं और अब इन गलत कामों को सुधारने के लिए कोई भी विकल्प नहीं है, तो आपको गौतम बुद्ध की जीवन की यह कहानी से जीवन में बहुत लाभ मिलने वाली है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक दिन बुद्ध श्रावस्ती के ही एक गांव में भिक्षाटन के लिए पहुंचते हैं। जब बुद्ध गांव में प्रवेश करते हैं, तो देखते हैं कि पूरे गांव में सन्नाटा छाया हुआ था। दूर दूर तक कोई व्यक्ति नजर नहीं आ रहा था। बुद्ध उस गांव के पहले द्वार पर जाते हैं और कहते हैं, भिक्षाम देही, परंतु भीतर से बाहर कोई नहीं आता। बुद्ध दूसरे द्वार पर जाते हैं, परंतु कोई दरवाजा नहीं खोलता। बुद्ध तीसरे द्वार पर जाते हैं, परंतु उसमें से भी कोई व्यक्ति बाहर नहीं आता। फिर अचानक एक दरवाजा खुलता है जिसमें से एक व्यक्ति बाहर निकलता है। वह जल्दी से बुद्ध का हाथ पकड़ता है और उन्हें अपने घर में ले जाता है और कहता है, क्षमा करे बुद्ध, परंतु आप इस समय बाहर नहीं जा सकते। उंगली माल को श्रावस्ती की सीमा पर देखा गया है। सभी गांव वाले डर के मारे अपने अपने घर की खिड़की या दरवाजे बंद करके बैठे हुए हैं। बुद्ध उस व्यक्ति से पूछते हैं, कौन है ये उंगली माल और उससे इतना भय क्यों है? वह व्यक्ति कहता है, उंगली माल एक राक्षस है। उसे जो भी मनुष्य मिलता है, बच्चा, वृद्ध, स्त्री या पुरुष, यहाँ तक कि सन्यासी भी, वह किसी को भी नहीं छोड़ता। महाराज प्रसेनजीत के सैनिक भी उससे डरते हैं। बुद्ध उस व्यक्ति से पूछते हैं, क्या वह यह सब धन के लालच में करता है? वह व्यक्ति कहता है, नहीं, धन का उसे कोई लालच नहीं है। वह जब भी किसी मनुष्य पर वार करता है, तो उसकी उंगली काट कर अपने गले की माला बनाता है, इसलिए उसका नाम उंगली माल पड़ गया है। और यह भी सुना है कि जब उसकी गले की माला में 100 उंगलियां पूरी हो जाएगी, तो उसकी विनाशक शक्तियां और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। बुद्ध कहते हैं, आभार आपका, आपने मुझे उसके बारे में बताया। वह व्यक्ति कहता है, कृपया कर आप बाहर न जाए, वह आप पर भी वार कर सकता है। बुद्ध कहते हैं, भय से अपनी राह छोड़ दो, ऐसा मैंने कभी नहीं किया है। मुझे भिक्षा मांगता देख जन जन के हृदय में उंगली माल का भय कम होगा। वह व्यक्ति कहता है, नहीं बुद्ध, आप मत जाइए, वह बहुत खतरनाक है। बुद्ध कहते हैं, वह खतरनाक नहीं, वह दुखी है, मुझे उसके पास जाना होगा, उसे मेरी आवश्यकता है। इतना कहकर बुद्ध उस व्यक्ति के पास से चले जाते हैं। कुछ दूर चलने के बाद बुद्ध वन में प्रवेश करते हैं। वन में चारों ओर एक सन्नाटा छाया हुआ था। दूर दूर तक ना तो कोई मनुष्य और ना ही कोई पशु पंछी दिख रहा होता है, परंतु बुद्ध अपने मार्ग में आगे बढ़ते रहते हैं। अचानक बुद्ध के सामने उंगली माल आकर खड़ा हो जाता है। उसका रूप इतना डरावना होता है कि कोई भी व्यक्ति उसे देखकर भयभीत हो जाए। उसके गले में उंगलियों की माला होती है, चेहरा और हाथ रक्त से सने होते हैं और शरीर बलशाली होता है। उसका रूप इतना भयानक होता है कि किसी भी साधारण व्यक्ति के प्राण तो उसे देखते ही निकल जाए, परंतु बुद्ध पर उंगली माल का डरावने रूप पर कोई असर नहीं होता। बुद्ध कुछ क्षण तक एक शांत मुस्कुराहट के साथ उंगली माल की तरफ देखते हैं और फिर उसकी बगल से निकल अपने मार्ग में आगे बढ़ जाते हैं। बुद्ध को ऐसा करते देख उंगली माल को समझ नहीं आता कि उसके साथ यह क्या हो रहा है। वह मन ही मन सोचता है कि मुझे देखकर लोग या तो भाग जाते हैं, या तो मुझे देखकर ही मर जाते हैं, या फिर मुझसे अपने प्राणों की भीख मांगने लगते हैं। मैंने कई सन्यासियों को भी मारा है, परंतु मैंने आज तक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं देखा जो मुझसे नजरअंदाज करके अपने मार्ग में आगे बढ़ जाए। या तो इसने मुझ पर ध्यान नहीं दिया होगा,
या फिर हो सकता है कि यह देख ही ना सकता हो, परंतु मुझे इससे क्या, मुझे तो अपनी उंगलियों की माला पूरी करनी है। उंगली माल बुद्ध को आवाज लगाता है, ए साधु रुक। बुद्ध उंगली माल को नजरअंदाज करते हैं और अपने मार्ग में आगे बढ़ते रहते हैं। उंगली माल और क्रोध में भरकर बुद्ध को आवाज लगाता है, ए साधु रुक। बुद्ध फिर से उंगली माल को नजरअंदाज करते हैं और अपने मार्ग में आगे बढ़ते रहते हैं। उंगली माल तीसरी बार बहुत ज्यादा क्रोध में भर कर आवाज लगाता है, ए साधु रुक। बुद्ध रुकते हैं। उंगली माल बुद्ध के पास जाता है और कहता है, मेरे आदेश देने के बाद भी तू रुका क्यों नहीं। बुद्ध कहते हैं, मैं तो बहुत पहले ही रुक चुका हूँ, तुम ही चलते जा रहे हो। उंगली माल समझ नहीं पाता कि बुद्ध क्या कह रहे हैं, परंतु वह इतना जरूर समझ जाता है कि सामने खड़ा व्यक्ति उससे डर नहीं रहा है। उंगली माल बुद्ध को डराने के लिए चिल्ला कर पूछता है, ए साधु तुझे मुझसे डर नहीं लग रहा है, मैं आदि मानव हूँ। बुद्ध कहते हैं, नहीं तुम मानव हो। बुद्ध की यह बात उंगली माल के हृदय पर लगती है। पहली बार उसे किसी ने मानव कहा था, परंतु वह उस बात को नजरअंदाज करने का प्रयास करता है और बुद्ध से पूछता है, ए साधु तूने ये क्यों कहा कि तू कब का रुक चुका है, जबकि तू तो चल रहा था, और तूने ये क्यों कहा कि मैं नहीं रुका। बुद्ध कहते हैं, मैं तो बहुत पहले ही रुक चुका हूँ, ऐसे सारे बुरे कृत्य छोड़ चुका हूँ, सब जीना चाहते हैं, बस तुम उसे करुणा से देखने का प्रयास करो। बुद्ध के ये शब्द दोबारा से उंगली माल के हृदय पर चोट करते हैं, परंतु वह दोबारा से बुद्ध की बातों को नजरअंदाज करने का प्रयास करता है और इस बार वह और क्रोध में भर कर बुद्ध की गर्दन पर अपनी कटारी रख देता है, जिससे वह लोगों की हत्या किया करता था, और बुद्ध से चिल्ला कर कहता है, नहीं मानव में ना प्रेम है ना करुणा, सिर्फ छल और कपट है, इसलिए मैं सबकी हत्या करूंगा, किसी को भी जीवित नहीं छोड़ूंगा। बुद्ध कहते हैं, तुम्हें लोगों ने बहुत दुख दिया है उंगली माल, क्रूरता मनुष्य अज्ञानता के कारण ही करता है, ईर्ष्या द्वेष मोह माया ये सब भी अज्ञान की ही संतानें हैं, परंतु वह व्यक्ति ही है जिसमें दया करुणा सद्भाव और समझ का उदय भी होता है। उंगली माल यदि इस जीवन में क्रूर और निष्ठुर लोग हैं, तो दयावान भी है, बस तुम्हें अपनी आँखों से इस अंधेपन की पट्टी को हटाना है, जो तुम्हें केवल बुराई ही दिखा रही है। तीसरी बार बुद्ध की शब्दों को सुन उंगली माल का खुद पर से संयम हट जाता है। उसे समझ नहीं आता कि पहली बार उसे अपना आपा इतना कमजोर क्यों महसूस हो रहा है। वह कोशिश तो करता क्रोध करने की, परंतु कर नहीं पाता। वह बड़ी हिम्मत जुटाकर क्रोधित होने का नाटक कर बुद्ध से कहता है, तुम और व्यक्तियों जैसे नहीं हो। बुद्ध कहते हैं, मैं हर व्यक्ति जैसा ही हूँ, बस जागृत हूँ। यह सिद्ध कर रहा हूँ कि हर व्यक्ति में जागने की क्षमता होती है। मेरा मार्ग क्रूरता को दया में परिवर्तित करता है। उंगली माल तुम अनजाने में घृणा के पथ पर हो, बस इस क्षण रुक जाओ। तुम्हारे भीतर भी यह क्षमता है कि तुम दया और करुणा के पथ पर चल सको। इतना सुनते ही उंगली माल के हाथ से कटारी जमीन पर गिर जाती है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगती है। भला कोई कब तक बुद्ध को अनदेखा करेगा। उंगली माल रोते हुए बुद्ध से पूछता है, क्या आप वही है जिन्हें लोग बुद्ध कहते हैं, जो लोगों को मुक्ति के मार्ग पर चलना सिखाते हैं। बुद्ध कहते हैं, हाँ मैं वही हूँ, और तुम्हें भी मुक्ति के मार्ग पर ले जाना चाहता हूँ। उंगली माल कहता है, परंतु मैं अब बहुत दूर निकल गया हूँ, मैंने बहुत हत्याएं करी है, बहुत पाप करे हैं, मैं अब चाह कर भी वापस नहीं लौट सकता,
और मेरा वापस लौटना असंभव है। बुद्ध कहते हैं कि असंभव कुछ भी नहीं, जब जागो तभी सवेरा। उंगली माल कहता है मैं अब पुनः जीवन की ओर नहीं मुड़ सकता, बहुत देर हो चुकी है। बुद्ध कहते हैं तुम में इतनी चेतना है कि तुम जानते हो कि जो तुम अब तक किया वह बुरा था। इसका अर्थ यह है कि तुम जानते हो कि क्या अच्छा है और क्या बुरा। उंगली माल जिस दिन से तुमने अच्छा काम करना शुरू कर दिया उस दिन से तुम्हारा नया जीवन शुरू हो जाएगा। उंगली माल कहता है मैं कितने भी अच्छे कार्य क्यों ना कर लूं, परंतु लोग मुझे उसी दृष्टि से देखेंगे और मुझे चैन से नहीं जीने देंगे। बुद्ध कहते हैं उंगली माल यदि तुमने हिंसा का मार्ग छोड़ा तो मैं तुम्हें मार्ग दिखाऊंगा, तुम्हारा संरक्षण करूंगा, तुम्हें लोगों की घृणा से बचाऊंगा, बस पहला कदम तुम्हें ही उठाना होगा। उंगली माल पूछता है क्या यह हो सकता है। बुद्ध कहते हैं अवश्य हो सकता है, तुम में असामान्य बुद्धि है उंगली माल, तुम परम सत्य के पथ पर बहुत आगे जाओगे। उंगली माल रोते हुए बुद्ध के चरणों में गिर पड़ता है और कहता है मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं सारे बुरे कृत्य छोड़ दूंगा और आपके पीछे करुणा के पथ पर चलना सीखूंगा, कृपया कर मुझे आप अपना शिष्य बना लीजिए। बुद्ध कहते हैं मैं शिष्य नहीं बनाता बल्कि व्यक्ति स्वयं मेरे संघ में जुटता है। उंगली माल उसी समय बुद्ध का भिक्षु बन जाता है। यहाँ पर एक बात समझनी जरूरी है कि बुद्ध कभी किसी को शिष्य या भिक्षु नहीं मानते थे। जो भी व्यक्ति उनके साथ जुटता था उसे केवल मार्ग दिखाते थे और वह मार्ग पर चलता था। भिक्षु और शिष्य केवल संघ से जुड़ने वाले लोगों की पहचान होती थी। उंगली माल बुद्ध का भिक्षु बनने के बाद उसका नाम अहिंसक पड़ जाता है। दोस्तों बुद्ध ने जैसा उसका नाम रखा था ठीक वैसा ही वह बन चुका था। दोस्तों आइए जानते हैं कि कैसे उंगली माल राक्षस एक अहिंसक बना। जब अहिंसक प्रथम बार अन्य भिक्षुओं के साथ एक गांव में भिक्षाटन के लिए जाता है तो गांव में कुछ लोग उससे बदला लेने के लिए उसे लट्ठी डंडों से पीटने लगते हैं। जब यह बात बुद्ध को पता चलती है तो वे तुरंत उसे बचाने के लिए उसके पास पहुंचते हैं और अपने शरीर को उन लट्ठी डंडों के बीच में ले आते हैं जो अहिंसक को पड़ रही होती है। बुद्ध को देखकर वे गांव वाले डंडे और पत्थर मारना बंद कर देते हैं। सभी लोग बुद्ध से कहते हैं बुद्ध क्यों इस हत्यारे उंगली माल की रक्षा कर रहे हो, ना जाने कितने लोगों की जाने ली है इसने। बुद्ध कहते हैं अब यह उंगली माल नहीं है, इसका नाम अहिंसक है, अब यह आपकी तरह एक मानव है। वे गांव वाले कहते हैं ऐसा आदमी कभी नहीं बदल सकता। बुद्ध कहते हैं यह बदल चुका है, बस आप सब इसे पुराने दृष्टि से देख रहे हैं। यदि ये उंगली माल होता तो क्या, तो आप में से किसी में भी इतना साहस या बल होता कि कोई इसे एक उंगली भी लगा सके। यह आपका हर वार खाता रहा, क्या इसने आप पर पलटा कर वार किया, क्या यह परिवर्तन आपको नहीं दिखा। आज इसने अपना लहू बहा से अपने सारे बुरे कृत्य धो डाले हैं। आप लोगों के द्वारा इतनी मार खाने के बाद भी इसकी आंखों में आपके लिए क्रोध नहीं है, क्या यह बदलाव आपको नहीं दिख रहा है। यह तो बदल गया, परंतु आप कब बदलोगे। इतने में ही उन गांव वालों में से एक स्त्री कहती है यह परिवर्तन मैंने स्वयं देखा है। वह स्त्री गांव वालों से कहती है आप में से कौन ऐसा है जो दूसरों के दुख में दुखी हो, दूसरों की पीड़ा सहन ना हो, तो उसे हर प्रकार की सहायता प्रदान करे। यह इस भिक्षु ने किया। दो दिन पहले एक व्यापारी अपनी पत्नी को लेकर जा रहा था। उसकी पत्नी प्रसव पीड़ा से व्याकुल थी, मैं पास से गुजर रही थी इसीलिए मैं भी दौड़ी दौड़ी गई। उस स्त्री का पीड़ा बढ़ती जा रही थी, घना जंगल होने के कारण उसे कहीं ले जाना भी नहीं जा सकता था।
तभी यह भिक्षु वहाँ पहुँचा और इसने मुझसे पूछा कि क्या हुआ बहन। मैंने इसे बताया कि यह स्त्री प्रसव पीड़ा में है और इस घने वन में हम कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं। कब तक यह कष्ट भोगेगी, कहीं इसके और इसके बच्चे के प्राण न चल जाए। इस भिक्षु ने मुझे कहा कि ऐसा नहीं होगा, मैं अभी अपने गुरु के पास जाऊंगा, वे अवश्य ही कोई मार्ग दिखाएंगे। इतना कहकर यह भिक्षु दौड़कर वहां से चला गया। बुद्ध कहते हैं, व्यवस्थित हो अहिंसक, मेरे समक्ष आया और मेरे पैरों में गिर मुझे कहने लगा, बुद्ध एक स्त्री गहन प्रसव पीड़ा में है और उसकी पीड़ा बढ़ती ही जा रही है, कहीं माँ और बच्चे को कुछ हो न जाए। मैंने कहा, दौड़ कर जाओ और उसे कहो, बहन जिस दिन से मेरा जन्म हुआ है मैंने जानबूझकर किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं पहुंचाया है, मेरे सत्कर्म तुम्हारा कवच बने, आपके और आपकी शिशु की रक्षा करे। अहिंसक ने मुझसे कहा, परंतु यह तो असत्य होगा बुद्ध, सत्य तो यह है कि मैंने आज तक बहुत सारे प्राणियों को कष्ट पहुंचाया है। यदि मैंने ऐसा कहा तो वे माता और शिशु उसी क्षण प्राण त्याग देंगे। फिर मैंने कहा, तो तुरंत जाओ और उस स्त्री से कहो, बहन जिस दिन से मेरा नया जन्म शुरू हुआ है मैंने सभी बुरे कृत्यों को त्यागा है और उस दिन से मैंने किसी भी प्राणियों को कष्ट नहीं पहुंचाया है, मेरे सत्य कर्म आपका सुरक्षा कवच बने और आपकी और आपके शिशु की रक्षा करे। इसने मुझसे पूछा कि क्या मेरे सत्य कर्म उन्हें बचा लेंगे। मैंने कहा, अवश्य, यह तुम्हारी अपनी कमाई है, या तो तुम इसे अपने लिए बचा कर रखो या फिर किसी पराये पर खर्च कर दो। अपने कमाए सत्कर्म को किसी पराये को न्यौछावर करने से पहले अहिंसक ने एक क्षण नहीं सोचा और यह उसी समय उस स्त्री और उसके शिशु की जान बचाने के लिए वहाँ चला गया। वह स्त्री कहती है, हाँ, यह भिक्षु दौड़ कर वहाँ आया। अभी भी वह स्त्री गहन पीड़ा से जूझ रही थी। इसने अपने दोनों हाथ जोड़े और आंखें बंद करके कहने लगा, बहन जिस क्षण से मैं भिक्षु बना हूँ उस क्षण के बाद मैंने कोई भी ऐसा कृत्य नहीं किया जिससे किसी भी प्राणी को कष्ट पहुँचे, मेरे सत्कर्म आपके लिए सुरक्षा कवच बने, आपकी और आपके शिशु की रक्षा करे। और इतना कहते ही उस स्त्री ने अपने बच्चे को जन्म दे दिया। दूसरों के दुख से दुखी होने वाला किसी को कैसे दुख दे सकता है। यदि यह भिक्षु मन का सच्चा नहीं होता तो वह स्त्री कब के अपने प्राण त्याग चुकी होती। अहिंसक बुद्ध से कहता है, इन्हें मत रोकिए बुद्ध, इन्हें मारने दीजिए और तब तक मारने दीजिए जब तक कि इनके मन का क्रोध शांत ना हो जाए। बुद्ध कहते हैं, कर्म और गुणों के भंडार हो तुम, आज तुमने अपने नाम अहिंसक को सिद्ध कर दिया। बुद्ध और उस स्त्री की बात सुन वे सभी गांव वाले कहते हैं, आप सही कह रहे हैं बुद्ध, अहिंसक बदल चुका है और हमसे ही देखने में भूल हो गई थी। दोस्तों, लोग सोचते हैं कि उन्होंने बहुत सारे गलत काम किए हुए हैं, अब इन गलत कामों को सुधारने के लिए कोई भी विकल्प नहीं है, पर इस पर गौतम बुद्ध कहते हैं कि चाहे आपने कितने भी बुरे काम किए हुए होंगे, अगर आप एक विचार को अपने मन में लगाते हैं कि अब मुझे कुछ सही करना है तो वही विचार आपकी रूपांतरण का कारण बन सकता है। पर सबसे जरूरी यह है कि क्या आप पहला कदम उठाने के लिए तैयार है। तो दोस्तों, कैसी लगी महात्मा बुद्ध और उंगली माल राक्षस की कहानी, कमेंट कर जरूर बताइएगा। और दोस्तों, अंत में जाते जाते मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। थैंक यू दोस्तों।